और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान की पेपर लीक माफिया से बाबा साकार हरि का कनेक्शन सामने आया है। पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन के घर में चलता था दरबार। एक महीने में चार बार माफिया के घर में दरबार लगता था, घर में ही आश्रम बना रखा था और वहां पर प्राइवेट फोर्स भी तैनात रहती थी। पिछले साल नवंबर में साकार हरि का प्रवचन हुआ था। बाबा के प्रवचन में करीब 1,00,000 लोग उस दौरान उमड़े थे। ये तमाम जानकारियां सामने आई हैं और सबसे बड़ी बात यह कि राजस्थान के पेपर लीक माफिया से बाबा साकार हरि का कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है। पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन के घर में ही बाबा का दरबार चला करता था और एक महीने में चार बार माफिया के घर में दरबार लगता था, घर में ही आश्रम बना रखा था, एक प्राइवेट फोर्स भी तैनात रहती थी। पिछले साल नवंबर में भी साकार हरि का प्रवचन हुआ था। बाबा के प्रवचन में उस दौरान तकरीबन 1,00,000 लोग उमड़े थे। और हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, और क्या जानकारी आपके पास? बाद में जो ये हरि बाबा जो चर्चाओं में आए हैं, इनका राजस्थान से कनेक्शन जुड़ा है। राजस्थान में जो पेपर लीक जो प्रकरण पूरा चर्चाओं में है, उसका जो आरोपी है हर्षवर्धन, जो काफी सारी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को अभ्यर्थियों तक पहुंचाता था, उन्हें फर्जी तरीके से नौकरी लगाता था, उसके घर में ये जो बाबा है अपना दरबार चलाता था। महीने में चार बार यहाँ पर आता था और किसी साधु संत की तरह भगवा कपड़े पहन के नहीं आता था, अलग अंदाज में अलग ड्रेस में ये आता था। चारों तरफ प्राइवेट फोर्स मौजूद रहती थी क्योंकि दौसा शहर के कुछ करीब 1 किलोमीटर दूरी पर ही ये जो हर्षवर्धन है इसका घर था और यहीं पर ये दरबार संचालित किया जाता था। महीने में चार बार ये बाबा आता था। नवंबर महीने की बात करें तो दौसा से करीब 8 से 10 किलोमीटर दूर एक कांदोली गांव है जो नेशनल हाईवे 21 से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक बड़ा परिवर्तन का कार्यक्रम हुआ था। हाथरस की तरह ही यहाँ पर भीड़ उमड़ी थी। 1,00,000 से करीब यहाँ पर जो बाबा के अनुयायी है वो मौजूद रहे थे। एक तरीके से ये माहौल हो गया था कि इस तरह का बाबा यहाँ पर इतनी भीड़ कैसे उमड़ी, ये चर्चा का विषय बन गई थी। लेकिन जिस तरह का हाथरस का कांड हुआ है उसके बाद में लोग उस घटना को याद कर रहे हैं, उस भीड़ को याद कर रहे हैं कि नवंबर माह में यहाँ पर भी एक बड़ा प्रवचन का कार्यक्रम हुआ था और रूटीन में एक महीने में चार बार ये जो हर्षवर्धन है जो पेपर लीक का माफिया है उसके घर पर आता था। और हर्षवर्धन दौसा के सालिमपुर गांव का रहने वाला है और इसको फिलहाल एसओजी ने गिरफ्तार कर रखा है। दौसा में इसका मकान था और ये मकान सिर्फ उस बाबा के दरबार के लिए काम आता था। बाबा यहाँ आते थे और किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को जाने नहीं दिया जाता था। स्थानीय मीडिया को कभी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती थी कि यहाँ पर कोई दरबार लगा हुआ है, ना कोई स्थानीय अनुयायी जाते थे, बाहर से लोग आते थे। पूरा मतलब एक तरीके से प्राइवेट फोर्स चारों तरफ तैनात रहती थी। कॉलोनी के लोग भी बड़े परेशान रहते थे, किसी को आवाजाही में काफी दिक्कत होती थी, किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाता था। यूं कहा जा सकता है कि इस बाबा के दरबार की आड़ में पेपर माफिया अपना गिरोह चलाता था दौसा में। बहुत शुक्रिया आशीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।